इफ्तार के बाद अब खाने की मेन्यू से गायब होगा चाइनीज सब्जी। जी हाँ, दरअसल वाराणसी में विश्व हिंदू सेना ने चाइना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इसी क्रम में विश्व हिंदू सेना ने एक और हमला चाइना के ऊपर किया है। जी हाँ, दरअसल विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने बताया कि वाराणसी के कई इलाकों में होटल व रेस्तरा में एक पर्ची बांटी गई है जिसमें मेन्यू में चाइनीज शब्द पर आपत्ति जताई गई है और लिखा गया है कि भारत देश में होटल व रेस्तरा संचालकों से अपील है कि वो अपने खाने के मेन्यू से चाइनीज शब्द हटा दें। देश के दुश्मन चीन की ओर से मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतों का दिन पर दिन बढ़ना अशोभनीय व बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे में चीन देश के हर एक कदम का विरोध करना ही देश के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि गैर राजनीतिक संगठन विश्व हिंदू सेना ने चाइना के खिलाफ जंग में पहले तो चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया, फिर होटलों व रेस्टोरेंट से ड्रैगन वाले चाइनीज लोगों को हटवाया। इसके बाद इसी क्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का हवाला देते हुए अब होटल व रेस्टोरेंट के मेनू से चाइनीज शब्द हटाने की अपील की गई है। अब देखना यह होगा कि विश्व हिंदू सेना के इस कदम का होटल व्यवसायियों पर कितना असर पड़ता है। रिपोर्टर पेज की खास रिपोर्ट।